नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। कोरोना वायरस के संक्रमण से जिले वासियों को बचाने के लिए चल रही जंग में चिकित्सकों के पास पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों का अभाव देखा जा रहा है, जिसके चलते अब उन्हें भी कोरोना संक्रमण होने की आशंका का डर सता रहा है। तो वहीं जिला चिकित्सालय में कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद बढ़ती मरीजों की संख्या के कारण मरीजों के लिए वेंटिलेटर और सामान्य बेड और ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी भी बनती जा रही है। जिला चिकित्सालय के चिकित्सक रात्रिकालीन समय में आने वाले संदिग्ध मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने और उनका चेकअप करने तक से कतराते जा रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण शासकीय अस्पताल में सीमित संसाधन बताया जा रहा है। 9 अप्रैल की रात्रि लगभग 3 बजे लांजी के ग्राम बोरी से 32 वर्षीय मंगल कटरे नाम का एक गंभीर मरीज को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने पहले तो उसे देखने से ही इनकार कर दिया, किंतु कांग्रेस उपाध्यक्ष शेषराम रहंगडाले के हस्तक्षेप के बाद जब इस गंभीर मरीज को चेक किया गया तो उसे मृत घोषित कर दिया गया और शव को बिना पीपीई किट पहनाए और परीक्षण किए ही परिजनों को सौंपते हुए वापस ले जाने को कहा गया। मृतक युवक का न कोरोना टेस्ट करवाया गया, न उनके साथ आए उनके परिजनों का। अगर उक्त युवक की मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण हुई है तो ऐसे में परिजनों का भी कोरोना संक्रमित होना लाजमी है। रात्रि में मौके पर मौजूद जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष शेषराम रहंगडाले ने इसे शासकीय चिकित्सालय की लापरवाही और अव्यवस्था बताते हुए हॉस्पिटल प्रबंधन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण और मरीजों को देखते हुए पर्याप्त इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने इस बात की शिकायत जिला कलेक्टर दीपक आर्य से की, जिसके बाद लांजी के ग्राम बोरी को सील कर दिया गया और यहां सभी सर्दी खांसी बुखार जैसे लक्षण वाले ग्रामीणों का टेस्ट कराया जाएगा। ग्राम बोरी के मृतक युवक के बारे में बताया जा रहा है कि उसे 3-4 दिनों से बुखार था और 9 अप्रैल को रात्रि 12:30 बजे अचानक सीने में दर्द के साथ सांस लेने में तकलीफ शुरू हो गई थी। सर, पेशेंट की डेथ हो चुकी, कितने बजे आया था सर पेशेंट और कहाँ से आया था? ये मोरजोड़ी का पेशेंट है, अस्पताल में आया तो ये मृत अवस्था में ही आया हुआ था जी। और मृत अवस्था में आया था, अब हमारे पास ऐसा है कि इस वक्त ऐसा है कि बेड लगभग पूरे फुल हो गए हैं, कोविड के केसेज भी लगातार बढ़ी रहे हैं। अस्पताल में जितनी संसाधन है, जितनी व्यवस्था है, उसके हिसाब से सारा काम चल रहा है और जैसी उचित व्यवस्था मरीजों के लिए हो सकती है वो कराई जाती है। सर, ये पेशेंट को जब आपने प्रथम दृष्टया देखे तो क्या समस्या समझ में आया सर, किस कारण से? ये सर और भी रीजन हो सकता है, जरूरी नहीं कि कोविड ही हो, और भी दूसरे मेडिकल सफ़ेद जैसे पेशेंट है, पूरा सफ़ेद दिख रहा है, हो सकता है सीवियर एनीमिया, मलेरिया, सेप्टिसीमिया, किसी और भी वजह से इसकी जान जा सकती है। पर अभी कुछ कहें वैसे हार्ट पॉइंट पर नहीं पहुँच सकते कि कोरोना के कारण, लेकिन जब ये आया था तभी ना इसमें पल्स थी, ना सांस चल रही थी, ना इसकी दिल की धड़कन, तो मृत अवस्था में जिला अस्पताल में लाया। सर, अपने पास में संसाधन सीमित है तो क्या इस समय पीपीई किट, ऑक्सीजन इस पर को अभी पीपीई किट भी नहीं है, मतलब मिलती है कई बार, लेकिन हम लोग का भी मास्क वगैरह मिलते हैं, जिससे संसाधन मिलते हैं उस हिसाब से अपना ड्यूटी काम करते हैं। सर, अभी आपके पास में पीपीई किट है या नहीं? अभी मेरे पास तो अभी तक पीपीई किट अवेलेबल है। और अपने स्टाफ के पास? बाकी स्टाफ के पास रहती है, जब सर्जरी होती वगैरह होती है तो उनको भी पीपीई किट प्रदान की जाती है, लेकिन उसकी भी उपलब्धता बहुत सीमित दायरे में रहती है, क्योंकि लगातार केस बढ़ते हैं, एक बार उसके बाद सॉल्व करना पड़ता है, सरकार के पास जितनी सुविधा होती है उसके हिसाब से काम करते हैं। जैसे कि कोरोना की दूसरी लहर आई, इस स्थिति में आपको उसके मद्देनज़र पीपीई किट और ऑक्सीजन और बेड की सप्लाई कुछ की गई है? सर, सबकी व्यवस्था, सबकी डिमांड भेजी गई है, ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगभग हमारे पास सारे मरीजों को लग चुके हैं, IVV6 के लगभग पूरा फुल हो चुका है, आर्थोपेडिक मेडिकल आइसोलेशन सब में पेशेंट है, सब में पेशेंट तो ऑक्सीजन है, अभी ऑक्सीजन की सिलेंडर भी लगभग हमारे पास सभी पेशेंट्स को लगे हुए हैं और लगभग यूज़ हो ही रहे हैं। पीपीई किट की कमी हुई है, पीपीई किट की डिमांड भेजी गई है सर, अब वो गवर्नमेंट तो ऊपर से जैसे सप्लाई आती है वैसे यहाँ पर भी सबको प्रदान करती है। सर, मरीज को जो अपन पैक करते हैं बॉडी को संदिग्ध मानकर, वो बैग है कि प्लास्टिक बैग? वो प्लास्टिक बैग तो नहीं रहता था, यहाँ पर पॉलीथीन रहती है सर, पॉलीथीन में ही कई बार हम लोग उसको रैप करते हैं, वो सब करते हैं। अभी देखने आ रहा सर कि मरीज की तो डेथ हो चुकी है, किंतु इसको कवर नहीं किया गया प्लास्टिक बैग से, अगर ये मान लो अगर कोरोना संदिग्ध हुआ तो संक्रमण फैल सकता है इससे? नहीं, जरूरी नहीं, यही तो मैं ये बोल रहा हूँ, ये तो ऐसे यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट आते हैं, उसको देख के ऐसा भी नहीं हो सकते कि कोरोना तो भाई, जैसे उसका लुक दिख रहा तो हो सकता है सीवियर एनीमिया, सेप्टिसिमिया में बहुत, या हो सकता है अगर मान लो कोरोना भी हो, क्योंकि कोरोना तो है ही है, क्योंकि अब इस देश में इतना ज़्यादा कोरोना है, क्योंकि हर कहीं तो इतने सारे सभी लोग चल ही रहे हैं, सभी हो रहा है, इतना भीड़ का संसाधन रहता है, तो कोरोना तो है ही नहीं कहीं ना कहीं। यानी आपका सिटी किट में नहीं है और संदिग्ध जो मरीज इनकी मौत होती है, जो आते आते जिनकी डेथ हो जाए, अगर वो कोरोना है तो उनको पैक करने के लिए अभी फिलहाल आपके पास नहीं है? कोरोना तो हम लोग तभी पैक करते हैं अंटिल एंड अनलेस, क्योंकि आईसीयू में पेशेंट है, कई बार ऐसा है तो उसकी जांच नहीं होती, कई बार टाइम उसको कोरोना सस्पेक्ट है, हर पेशेंट को नहीं, जिसका कोरोना पॉजिटिव होता है उसको बराबर से हम लोग पैक करके ही उसकी बॉडी दी जाए, और जिसकी सर टेस्ट भी नहीं हो पाया, जिसकी यहाँ लाट तक की डेथ हो गई, तो
सर ऐसा है कि किट की अवेलेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें। हमारे पास रात के 3 बजे किट अवेलेबल नहीं हो पाती है, इसका टेस्टिंग नहीं हो पाती है, मतलब अभाव है किट का। कई बार ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है। आपका नाम? शेषराम रहांगाले। बताइए सर क्या? सर मेरे को रात के 12:30 बजे फ़ोन आया मेरे गांव से, ये जो पेशेंट है ये लांजी क्षेत्र के ग्राम मोजरीपुरी का पेशेंट है और मैं भी उसी क्षेत्र से रहने वाला हूँ। बोले अचानक तबीयत ख़राब हो गई, इनको 4-5 दिन से फीवर आ रहा था, तो मैंने बोला यहाँ बूढ़ी हॉस्पिटल लिया बालाघाट। जैसे मैं हॉस्पिटल आया तो पहले तो यहाँ मना कर दिया गया, ना बेड की व्यवस्था है, ना कीट है, ना कोई है। लेकिन जब मेरे द्वारा दबाव बनाया गया तो मैं प्रेस को बुला रहा हूँ, उसके बाद पेशेंट को चेक किया गया लेकिन पेशेंट को डेड घोषित कर दिया गया। मैं प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ऐसे ही लोग आते आते मर गए, आपके पास न रखने की सुविधा है, न बेड है, न कीट है, और अगर कोई व्यवस्था नहीं तो जनता क्या करे? इसे कलेक्टर महोदय को मैं ये करना चाहता हूँ, प्रशासन को ये करवाना चाहता हूँ कि ऐसी अगर जनता मरते रही तो ऐसे किस काम का प्रशासन? आज 3 बजे रात को अगर मैं आया हूँ तो मैं जनप्रति हूँ, जनता की सेवा करने आया हूँ। और जैसे आज देख के, आज इसकी उम्र मात्र 28 से 30 साल है, ऐसे ही लोग अगर आते आते मरते रहे और यहाँ अगर सुविधा कोई नहीं हुई तो ऐसे जनप्रतिनिधि ऐसे प्रशासन का क्या मतलब? आप कितने बजे पेशेंट को लेकर आए थे यहाँ? पेशेंट को मैं 20 मिनट पहले लेकर आया था। अच्छा, तो आप यहाँ पर आए तो आपको अवस्थाओं का आलम मिला? अवस्थाओं का आलम मिला, बोले 4 पेशेंट हम लोगों ने वापस कर चुके हैं, यहाँ आई सी यू की किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है, लेकिन मेरे द्वारा जब दबाव बनाया गया, जब इन्हें पेशेंट को चेक किए और मृत घोषित कर दिए। आई सी यू में कोई जगह नहीं है? कोई जगह नहीं है, काफ़ी पेशेंट नीचे सोए हुए, आप भी दवा करना था जाएगा, वीडियो बना लीजिए। अच्छा, मतलब आई सी यू पैक हो चुका है? पैक हो चुका है। अच्छा, तो बेड बढ़ाने की ज़रूरत है? बेड बढ़ाने की ज़रूरत है, किट मंगाने की ज़रूरत है। अच्छा, जैसे अभी इनकी डेट हो गई, मैंने इनसे क्वेश्चन किया कि अगर ये डेट हो गई है कोरोना है या नहीं, अगर इनके परिवार का ही पूरा टेस्ट कराना चाहिए, पूरा टेस्ट, तो बोले हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं बालाघाट लिया। अब 70 किलोमीटर से बालाघाट अगर जिसके मृत हो गया तो पहले अपने परिवार को देखा कि यहाँ टेस्टिंग कराने आएगा? ये प्रशासन और यहाँ के शासन का आलम है और यहाँ की चिकित्सा की व्यवस्था है, मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। और यही चलते रहा तो निश्चित ही हम लोग यहाँ कार्यालय में सामने बैठ के निश्चित चिकित्सा को सुधारने का प्रयास करेंगे।